दोस्तों हर कंपनी की पहचान उसके लोगों से होती है। हर कंपनी अपने लोगों को बनाने में काफी समय लगाती है और अपना लोगो बेहतर बनाती है, पर क्या आप जानते हैं उन लोगों का आखिर मतलब क्या होता है और उन लोगों में बहुत सा मतलब छुपा होता है। आज मैं आप सभी को ऐसे 10 लोगों के बारे में बताने वाला हूँ जिनका असली मतलब शायद ही आपको पता होगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 10वें नंबर पर आता है Amazon। Amazon का लोगो दिखने में काफी सिंपल होता है, पर क्या आप जानते हैं Amazon के लोगो में जो एक एरो जाता है उसका मतलब होता है Amazon में A to Z सारे के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे और उस एरो का मतलब स्माइल भी होता है। दोस्तों 1955 से पहले SBI का लोगो कुछ इस तरह था। वह एक बरगद का पेड़ था। वह लोगो बैंक के मजबूती को दर्शाता था, किस तरह उसकी जड़ हर जगह फैली हुई है। दोस्तों यह लोगो उस बैंक की मजबूती, सफलता और वृद्धि का प्रतीक माना जाता था। दोस्तों फिर कुछ समय बाद इस लोगो को हटा दिया गया, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि बरगद का पेड़ अपने आसपास किसी को भी बढ़ने नहीं देता। उसके बाद इस तरह के लोगो को बनाया गया। इस लोगो का गोल आकार बैंक के आकार को दर्शाता है और बीच की रेखा एक कॉमन मैन को दर्शाती है और इस छेद को चाबी डालने का छेद माना जाता है और वह सिक्योरिटी को दर्शाता है। इस छेद का तीसरा मतलब यह है कि बैंक में पैसे आने के बाद उस पैसे का निकलने का एक ही साधन है, वह ग्राहक खुद। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इस लोगो का डिजाइन कानक्रिया झील से आया था जो कि अहमदाबाद में है। गूगल मैप से देखने पर यह झील कुछ इस तरह ही दिखती है, बिल्कुल SBI के लोगो की तरह। दोस्तों हुंडई के लोगो के H को ध्यान से देखने पर वह कुछ इस तरह दिखता है। वह कंपनी और ग्राहक को दर्शाता है, किस तरह वह हाथ मिला रहे हैं। ओला कंपनी का लोगो, उस कंपनी का लोगो O for ओला दर्शाता है और पीला रंग टैक्सी सर्विस को दर्शाता है और पूरा का पूरा लोगो एक टायर को दर्शाता है। दोस्तों कोका कोला का लोगो को ध्यान से देखने पर OOL पर आपको डेनमार्क का झंडा दिखाई देगा और यह एक इत्तेफाक है। दोस्तों एडिडास के लोगो पर यह जो 3 लाइन है वह एक पहाड़ को दर्शाती है और वह दर्शाती है कि किस तरह एक एथलीट पहाड़ और कितनी सारी मुसीबतों को फेस करता है। तो क्या आप जानते हैं पेप्सी के लोगो को बनाने में $1 million खर्च हुए थे और वह एक स्माइल को दर्शाता है और जिनने इस लोगो को बनाया था उनका कहना है कि वह ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक और गोल्डन रेशो को दर्शाता है। दोस्तों सैमसंग का लोगो एक कोरियन वर्ड है और वह 2 वर्ड से मिलकर बना है, सैम और संग। सैम का मतलब यह है कि 3 और संग का मतलब है स्टार, यानी कि 3 स्टार। कोरियन में 3 को बहुत शुभ और पावरफुल माना जाता है। यह सैमसंग में पावर को दर्शाता है। दोस्तों ऑडी कंपनी के 4 रिंग्स 4 कार कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 4 ऑटोमोबाइल कंपनीज जो कि ऑडी, DKH, हॉर्च, वंडर और उनके मिलने से एक ऑटो यूनियन बना था और जिस वजह से ऑडी में 4 छल्ले हैं और वह चारों के चारों छल्ले इन अलग अलग कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट मर्सिडीज लोगो। दोस्तों मर्सिडीज का लोगो दिखने में काफी सिंपल और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, पर क्या आप जानते हैं मर्सिडीज लोगो के ये 3 तीर अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं। पहला तीर हवा को दर्शाता है और दूसरा तीर लैंड को दर्शाता है और तीसरा
पानी को दर्शाता है, जिससे कि यह कंपनी फ्यूचर में भी इन तीनों चीजों को मेंटेन करके रखेगी। दोस्तों अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आप सभी से मिलूंगा और रोचक जानकारियों के साथ अगली वीडियो में। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।